मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अग्निपथ योजना को निरस्त करने के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। आप जिला अध्यक्ष अरविंद बालियान ने कहा कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता में आक्रोश है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती ना होकर एक गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन प्रभारी अजय चौधरी और नगर अध्यक्ष सरदार जसकरण सिंह ने कहा कि ऐसे में लगता है कि जैसे सरकार ने ये कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य की प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझकर इन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है, इस वजह से सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है और भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सेना के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। देखिए, भारतीय सेना के 4 साल जो सैनिकों की भर्ती के लिए ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रही है। आम आदमी पार्टी की मांग है, आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है केंद्र सरकार ने, इस खिलवाड़ से आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी होकर सड़क पर, जिला मुख्यालय पर, हर जगह प्रदर्शन करेगी। और हम एक बात पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, 4 साल में युवा किस नौकरी को लेकर और फिर उसके भविष्य से आपने खिलवाड़ जो किया है उसका क्या होगा आने वाले समय में? युवा आज बहुत दुखी है, युवा परेशान है, युवा ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी है, क्योंकि एक सेना की तैयारी करने के लिए युवा को 4 साल लगते हैं और 4 साल वो सड़क पर दौड़ता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपके सांसद या आपके विधायक के बच्चे सड़क पर दौड़कर किसी सेना में भर्ती हुए हैं? वे अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं और आप यहाँ के किसान मजदूर के बच्चों को, जो एक मौका था देशभक्ति का, देश सेवा करने का, फौज में जाकर देश सेवा करना चाहते थे, उनके साथ भी आपने खिलवाड़ करने का काम किया है। इस अग्निपथ को वापसी लें और आम आदमी पार्टी की यही मांग है, हम इस देश के युवाओं के साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं। जिला मीडिया प्रभारी संजीव मान और जिला कोषा अध्यक्ष वसी खैरी ने कहा कि सरकार का ये तर्क भारतीय सेना और सैनिकों दोनों के साथ विश्वासघात करना है कि 4 वर्षों के बाद सैनिकों को सेना निवृत्त करने से पेंशन में आउट काम देना पड़ेगा। सरकार सेना की प्रभावशालिता और ताकत को सिर्फ इसलिए कमजोर कर रही है ताकि उसे सैनिकों को पेंशन न देनी पड़े।